You all must have seen already in the thumbnail that today we are here to celebrate Kargil Vijay Divas. What exactly is this Kargil Vijay Divas? This is celebrated as our victory over the Kargil war on Pakistan on every 26 July. Kargil was a long war which was fought between India and Pakistan. It started on 3rd May and it ended on 26 July 1999. It took us 2 months, 3 weeks and 2 days to get this victory. And at what cost? We lost 527 soldiers and 1,363 got wounded. And yet we fought. हम तब भी नहीं रुके और हम आज भी नहीं रुके हैं. आज भी जब इंडिया और चाइना की बॉर्डर के ऊपर तनातनी हुई तभी भी हमारे बहादुर सोल्जर्स लड़े. उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए हमें आज भी जीत दिलाई. आज भी चाइना को पीछे हटना पड़ा. लेकिन हम सिविलियंस क्या कर रहे हैं? बस उनकी शहादत के ऊपर ऐसे कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं? क्या हमारी सिर्फ इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविलियंस होने के नाते कि हमारे आर्मी वाले बॉर्डर पर लड़ते रहे हमारी सुरक्षा के लिए और हम खुद कुछ ना करें? हम उन्हें बल्कि और परेशान करें हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे करके, सही समय पर सही तरीके के मेजर्स ना लेके. जैसे कि फ्लड्स आने की क्या सिर्फ एक ही वजह है कि बहुत तेज बारिश हुई और फ्लड्स आ गए? नहीं, उसमें प्रशासन की, हम लोगों की, सबकी गलती है. हमें पता है हर साल बाढ़ आने वाली है तो हम पहले से ही उसके लिए तैयार क्यों नहीं होते? और जब एक बार बाढ़ आ जाती है तब हम किसे बुलाते हैं? आर्म फोर्सेस को, कि आओ और यहाँ पर भी अपनी जान की बाजी लगाओ. क्या ये सही है? हमारे मन में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे कुविचार हैं. अगर हमारे घर के सामने एक गड्ढा है जिस पर आके लोग गिर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? आराम से अपना फोन निकाला और वीडियो बना ली. अरे वाह, ये इंसान यहाँ पर गिर गया. क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? या फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस गड्ढे को भर दें? कितना समय लगेगा और कितने पैसे लग जाएंगे इस काम को करने के लिए? शायद थोड़े, लेकिन उस गड्ढे को भरने से कितने लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी? बहुत सारे लोगों की. हमारे अंदर एक बहुत ही गलत भावना है कि मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो पंडित है, वो ठाकुर है, वो लड़का है, वो लड़की है. जब तक हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे हमारी आर्म फोर्सेस के ऐसे बलिदान ऐसे ही व्यर्थ जाएंगे. हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और उन्हें हमारे अंदर के डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए भी आना पड़ेगा. कितने ही जवान इन सब चीजों में भी घायल हो जाते हैं. उनके ऊपर हमारे जैसे सिविलियंस ही पत्थर बरसा रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं. जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तब तक बॉर्डर पर खड़े दुश्मन से इन लोगों के लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है. हम आपस में एक दूसरे की खुशियां नहीं देख सकते. अरे नेबर में उसकी प्रमोशन हो गई, बहुत बुरा हुआ, उसकी प्रमोशन हो कैसे गई? ये भावनाएं है हमारे अंदर. जबकि इसकी जगह होना क्या चाहिए कि बहुत अच्छी बात है उसकी प्रमोशन हो गई, कल को मैं भी अच्छे से काम करूंगा, मेरी भी हो जाएगी. नहीं, ऐसे तो सोचना ही नहीं है. ऐसे सोचकर क्या फायदा है? बस उससे जलना है. ये सोचना है कि कैसे दूसरे की जड़ें काटकर मैं ऊपर बढूं. ये नहीं देखना कि कैसे मैं खुद अपने लिए सीढ़ियां बनाऊं और फिर उसके ऊपर चढूं. जैसे हमने कारगिल पर अपना झंडा लहराया था वैसे ही मैं अपनी जिंदगी में भी ये झंडा लहराऊं अपनी जीत का. जब हम इन सब चीजों से ऊपर उठेंगे, जब हम दूसरों को ब्लेम करने की बजाय कि प्रशासन ने ये काम नहीं किया या फिर सरकार का ये काम था या किसी और का ये काम था, दूसरों को ऐसे ब्लेम करने की जगह खुद आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाने का कोई फायदा नहीं है. अगर आप भी हमारे बॉर्डर पर खड़े हुए जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर ये गांठ बांध दीजिए कि सभी चीजों से ऊपर आप एक इंसान हैं. आप ना हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना पारसी है. आप सिर्फ एक इंसान हैं और आपका सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का. अगर कोई मर रहा है तो उसकी रक्षा करने का, उसे वहीं रोड पर पड़े रहने देने का नहीं. इसी तरह से अगर कोई कचरा फैला रहा है तो उसे रोकने का, कचरा उठाने का, हमारे देश को स्वच्छ रखने का, साफ रखने का हिसाब हमें रखना है, किसी और को नहीं रखना. हम ट्रेन में जाते हैं और खुद ही कचरा बाहर फेंकते हैं और थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं? अरे देखो कितने गंदे लोग हैं, कचरा फेंक कर चले जाते हैं. तो इसमें किसकी गलती है, हमारी या उनकी? जाहिर सी बात है कि हम सबकी.
हम सबको मिलकर इस सब चीजों का सामना करना है, इन सब कुरीतियों से ऊपर उठना है, और तभी सही मायने में ऐसे बलिदान, ऐसे जो ये woundedness है, ये सारी की सारी चीजें फ्रूटफुल हो पाएंगी। बस इसी संदेश के साथ मैं आप सभी भारतवासियों से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आगे बढ़िए और दूसरों को ब्लेम करने की जगह खुद इनिशिएटिव लीजिए, ताकि आप हमारी मदद कर सके, आर्म फोर्सेस वालों की मदद कर सके, ताकि उन्हें अपनी जान न गंवानी पड़े, वो चैन से कम बॉर्डर के डिस्प्यूट्स को ही सुलझाने में लगे रहे, ना कि हमारे देश में आके उन डिस्प्यूट्स को सुलझाने लग पड़े। जय हिंद, जय भारत।